सहजता ही शक्ति है, सहजता ही शक्ति है। जो जिस चीज को बहुत हाईलाइट करता है वो उससे आतंकित होता है। जैसे कोई बहुत अहंकारी व्यक्ति हो वो हमेशा विनम्रता और अहंकारिता में ही उलझा रहेगा। प्रश्न ये उठता है कि तुमको इतना पता कैसे, कौन अहंकारी है कौन अहंकारी नहीं है। तुमको जितना पता चलेगा उतना ही तुम्हारा ये ढांचा जो है मजबूत होता जाएगा। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो गया उसको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा अहंकार क्या होता है, विनम्रता क्या होती है, दोनों एक साथ जाते हैं। जो व्यक्ति बेईमानी की भावदशा से भरा है वो ईमानदारी की बहुत चर्चा करेगा। जो व्यक्ति अंदर अपनी ईमानदारी को उपलब्ध हो गया है वो चर्चा भी नहीं करेगा, वो तो जीने लगेगा, वो जी रहा होगा, उसको समझ में भी नहीं आएगा अच्छा लोग ऐसा भी करते हैं, वो जीने लगेगा उस चीज को। इसीलिए जो शक्ति है वो प्रदर्शन में नहीं है, वो जीने में है। और जो सहजता से जी रहा है सचमुच में वही शक्तिशाली है। तो शक्ति के दिखावे की या उसके शोरगुल की जरूरत नहीं है। हमेशा जो योद्धा होता है, अच्छा योद्धा वही व्यक्ति बनता है जो बहुत भयभीत होता है। जो बिल्कुल भयमुक्त है वो कभी भी अच्छा योद्धा नहीं बन सकता। वो इतना भयमुक्त है कि उसको आत्मरक्षा की भी परवाह नहीं है, तो बड़ा विकट योद्धा कभी नहीं बन सकता। मुक्त है कि सामान्य रूप से अपना जीवन जी सकता है। आक्रमण आप करते ही भय से है, आक्रमण और भय का रिश्ता है। आप भगवान बुद्ध के जीवन को देखिए, छत्री घर में आए, क्योंकि भय मुक्त हो गए तो योद्धा नहीं रह गए। अब उन पर कोई आक्रमण करता उस समय जब वो अपनी देशनाओं को लेकर चल रहे थे तो शायद मारे जाते। अस्तित्व बचाता वो अलग बात है, क्योंकि वो अपनी प्रतिरक्षा करने की भी चिंता नहीं कर रहे हैं। आक्रमण हमेशा भयभीत व्यक्ति ही करता है। हाँ, ये अलग बात है कि भयमुक्त व्यक्ति का आभा मंडल इतना सशक्त हो सकता है कि बहुत सारी चीजें उसके आसपास निरस्त हो जाएं ऐसे ही, वो एक अलग पहलू है। लेकिन वो योद्धा की तरह से कभी दिखाई नहीं देगा। इतिहास भी ऐसे उदाहरणों से भरा है जहां पर कुछ ऐसे लोग रहे हैं कि जब वो किसी ऐसी जगह पर प्रवेश कर गए तो लोगों की युद्ध करने की जो इच्छा थी वो ठंडी पड़ गई, लोग शांत हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग तुम्हारे बीच आज भी होते हैं कि अगर वो तुम्हारे बीच हो तो तुम्हारे अंदर लड़ने की झगड़ने की जो वृत्ति है वो कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि वो इतने शांत हैं, आक्रमण करने की कोई जरूरत नहीं महसूस हो रही। जैसे तुम अपने अंदर किसी बात को समझ चुके हो, आश्वस्त हो, तो उसको अपने विचार से तर्क से सिद्ध करने की भी बेचैनी नहीं है। कोई तुमको गलत कहता है तो पलट कर अपने को सही सिद्ध करने की उत्तेजना भी तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम बस मुस्कुरा के आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुम पलट कर अपनी बात सही सिद्ध करने की उसमें लग जाओ तो इससे यही पता चलता है कि अभी बात समझ में आई नहीं पूरी तरह। ये कहने का अभिप्राय, अपने आप शांत हो गया, ये अस्तित्वगत चमत्कार है। लेकिन जो घटना का पूरा परिदृश्य है, आप देखें अंगुली मालूम को मार भी सकता था, क्योंकि उन्होंने तो कोई प्रतिरक्षा करने का इरादा किया ही नहीं था। वो तो पहुंच गए थे, खड़े थे, वो तलवार पे धार रख रहा था। ये तो उनके आभा मंडल का, उनकी चेतना का प्रभाव था और अस्तित्व की योजना का एक हिस्सा था जो वो घटना घट गई। लेकिन वो एक योद्धा की तरह वहां पर उपस्थित नहीं थे और सबको जीत लिया। जो योद्धा नहीं है वो तो सबको जीत लेता है। आप प्रेम से भर जाएं कितनों को नहीं जीत लेते, आक्रमण करके कितनों को जीतेंगे, और आक्रमण करके आप पूरी दुनिया भी जीत लें तब भी आप एक आदमी को नहीं जीत पाते। क्योंकि जब तक आप अपने अस्त्र शस्त्र और उसके साथ तैयार हैं तो लोग खामोश बैठे हैं, जैसे ही वो हटेगा तो कोई आपसे प्रेम तो करता नहीं है।
तो वास्तविक तो विजय प्रेम में ही है, और जो प्रेम में है वो युद्ध में क्यों कर जाएगा। तो अगर अधिक से अधिक लोग प्रेम पूर्ण होने लगे तो युद्धों की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। और प्रेम की जो मामूली सी बात मैं बताना चाहता हूं कि लोगों को गलत होने की स्वतंत्रता भी दें, लोगों को भटकने की स्वतंत्रता भी दें, यही करुणा है। अक्सर प्रेम भी आक्रामक होता है, ऐसा क्यों नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग गलत हैं, उनको गलत होने की स्वतंत्रता है, कुछ लोग भटके हैं, उनको भटके होने की स्वतंत्रता है, जस्ट लव देम। कोई अज्ञानी है तो उन्होंने क्या गुनाह किया है, तो उनको भी प्रेम करें। प्रेम एक टोटल एक्सेप्टेंस है, समग्र स्वीकार की दशा है, वही करुणा की भाव दशा है, आपका चुनाव नहीं है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति देखो प्रेम की बात तो करता है लेकिन कितनी निंदा से भरा है कि ये व्यक्ति गलत है, ये गैर आध्यात्मिक है, ये ऐसा है, ये वैसा है। कैसा भी है, कुदरत ने इस समय उसको वैसा ही बनाया है। मैं तो हमेशा कहता हूं टेररिस्ट भी है उसको भी प्यार करो। तुम कहोगे फिर हमको मार दिया तो देखा जाएगा। बच्चों को देखिए कहां मार पाते हैं आप, देखिए इसका तो आपको इतना पता है, जंगल में भी एक छोटा सा बच्चा हो तो इसके इतने उदाहरण मिले हैं कि सांप भी नहीं उसको कई बार काटता है, हाथी नहीं मारता है, शेर नहीं मारता है, क्योंकि इतना निर्दोष है, इतना इनोसेंट है कि पूरी प्रकृति उसको प्रोटेक्ट करने लगती है। हम इतने हैं नहीं, हम तो सर्टिफिकेट वाले निर्दोष होते हैं। कोई किसी कल्ट से सर्टिफाइड इनोसेंट है तो कोई कहीं से सर्टिफाइड इनोसेंट है। तो सर्टिफाइड इनोसेंट से काम नहीं चलता, एक्चुअल होनी चाहिए। एक्चुअल है तो फिर आपको डर कैसा। और प्रेम की यही बात हमेशा ध्यान रखें। अभी आप लोग प्रेम की बहुत सारी चर्चाएं सुनेंगे ही आने वाले एक दो दिनों में, कि किसी व्यक्ति के जीवन के कारण उसकी निंदा ना करें। वो अभी जैसा भी हो गया है वैसा हो गया है, उसकी परिस्थितियां, वक्त, कोई भी चीज, अस्तित्व ने अगर उसको रखा है तो हम इनकार करने वाले कौन होते हैं? हमको अस्तित्व का रहस्य भी तो पता नहीं। कोई मुझसे पूछता था कि गॉड्स प्लान, तो मैंने कहा तुमको फैक्स भेजा होगा, हमको तो भेजा नहीं गार्ड ने प्लान अपना। हु नोज द बिगर मिस्ट्री, किसको पता है कि इस बड़े रहस्य में इस चीज का क्या महत्व होगा, क्या अहमियत होगी। तो किसी भी घटना या व्यक्ति को गलत कहने से पहले रुक जाएं, अपनी करुणा की तरंगें उस तक जाने दें। अस्तित्व ने उसे रखा है तो आप भी उसको रहने दें, और इस भावदशा से आप निकल जाएं तो संभव है कि आपको प्रतिरक्षा की जरूरत भी न करनी पड़े। आप ऐसी शांति की तरंगे लेकर चलें कि आपके ऊपर शायद ही कोई आक्रमण करे। लेकिन ये सोच कर मत रखिएगा कि नहीं करेगा, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है। कभी कोई कर दे तो हमसे कहने मत आना कि देखो हमने तो रखा था फिर भी हो गया। विवेक से काम ले। अब अगर आपको लग रहा है इस समय युद्ध जरूरी है, आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। हमारे यहां भगवान कृष्ण इसके जीते जागते उदाहरण है। जब लगता है लड़ लेते हैं, जब लगता है भाग लेते हैं, जब लगता है चुपचाप खड़े रहते हैं, मुस्कुरा देते हैं। इसीलिए हमने उनको इतना महत्व दिया है कि वो जीवन की सहजता में है। कोई पक्का नियम नहीं कि क्या करेंगे, इतना पक्का नहीं कि ये नहीं लड़ेगा आदमी। जैसे बुद्ध के बारे में तो आप करीब करीब कह सकते हैं कि अंगुली माल थे तो नहीं लड़ेगा, उनको लड़ना नहीं था उस समय। लेकिन कृष्ण के बारे में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। परिस्थिति आई तो लड़ सकते हैं, नहीं आई तो शांत रह सकते हैं, भाग भी सकते हैं।
कुछ भी कर सकते हैं, वो तो जीवन की परिस्थिति बताएगी क्या करेंगे। अभी से कुछ तय करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सबके बीच में जो एक जो नदी बह रही है वो ये है कि प्रेम की, करुणा की। हर परिस्थिति में जो एक सूत्र है, जो धागा है, वो यही होगा कि इससे कल्याण की भावदशा ही अंदर अंतर्निहित होगी। अगर वो व्यक्ति युद्ध में जा रहा होगा तब भी कल्याण की भावदशा ही होगी, वो अगर पलायन कर रहा होगा तब भी कल्याण की भावदशा ही होगी। यही एक आध्यात्मिक व्यक्ति की चित्त दशा है।